जय हिंद! आज हम 200 सीरीज का सेट थ्री करने वाले हैं। हैं। ये ये आपके लिए ऑलरेडी आए हुए क्वेश्चंस हैं पी वाई क्यू क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं हमारे सेट नंबर थ्री को बिना किसी तरीके Which इंडियन स्टेट इज फेमस फॉर इट्स हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑप्शन सी नागालैंड विच इंडियन स्टेट इज नोन एज दार्डन ऑफ इंडिया ऑप्शन सी केरला आपको सारे के सारे नोट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे हमारे व्हाट्सएप चैनल से लिंक डिस्क्रिप्शन में है बटते हैं कि हमारे इस वीडियो का टारगेट पूरा हो गया हो फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे पी डी एफ विच इंडियन स्टेट इज होम टू इट्स फेमस वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क ऑप्शन बी उत्तराखंड उत्तराखंड में है वैली ऑफ फ्लावर और जिमकोबेट नेशनल पार्क विच इंडियन स्टेट इज आ होम टू फेमस इट्स ताजमहल ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश कहाँ आगरा में स्थित है ताजमहल विच इंडियन स्टेट इज आ होम टू इट्स फेमस कोनार्क सन टेम्पल ऑप्शन ए उड़ीसा और गुजरात में है मुदेरा सन टेम्पल विच इंडियन स्टेट इज अ होम टू फेमस इट्स दल लेक ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर विच इंडियन स्टेट इज अ होम टू इट्स फेमस ऑरोविल कम्युनिटी ऑप्शन सी तमिलनाडु विच इंडियन स्टेट इज अ होम टू इट्स फेमस गोल्डन टेम्पल जिसको हम पहले जानते थे हर मंदिर के नाम से पूरी कहानी क्या थी मैंने आपको बताया था पिछले सेट में ऑप्शन नंबर सी पंजाब कहां पर अमृतसर में विच इंडियन स्टेट इज आर होम टू इट्स फेमस चार मीनार मोन्यूमेंट ऑप्शन डी तेलंगाना कहां पर हैदराबाद जो कि कैपिटल है तेलंगाना की वहां पर स्थित है चार मीनार और इसको बनवाया था कुली कुतुब शाह ने कुतुबशाही डायनेस्टी के रूलर ने विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया ऑप्शन सी यांग तेज रिवर और अफ्रीका की या फिर पूरे वर्ल्ड की नाइल रिवर और साउथ अमेरिका की एमेजोन रिवर पूरे एशिया की या फिर पूरे वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट रिवर यांग तेज रिवर ठीक है और इंडिया की गंगा और इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट गोदावरी विच इज दर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन दर्ल्ड बी चाइना सेकेंड कनाडा फर्स्ट रशिया और सबसे छोटी कंट्री वेटिकन सिटी विच इज दर्जेस्ट सिटी बाय पॉपुलेशन इन दर्ल्ड ऑप्शन बी टोकियो टोकियो लिखा है यहां पर टोकियो विच सी बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका ऑप्शन बी मेडिटेरियन सी अगले मैप में देखना ज्यादा क्लियर आएगा आपको वॉट इज कैपिटल ऑफ मोरक्को ऑप्शन ए रेबेट और बांग्लादेश की ढाका अमेरिका की यूएसए की न्यूयॉर्क चाइना की बीजिंग इंडिया की पता ही होगा आपको फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई और हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया चेन्नई सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु मैनचेस्टर मैनचेस्टर ऑफ ऑफ द ईस्ट वर्ल्ड अहमदाबाद द साउथ इंडिया कोमटूर और सिटी ऑफ लेक उदयपुर लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया नैनीताल और सिटी ऑफ जॉय कोलकाता ध्यान रखना सारी के सारी विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन दी वर्ल्ड ऑप्शन डी कनाडा की है सबसे बड़ी कोस्ट लाइन क्योंकि इसके पास बहुत सारे आइसलैंड्स हैं और सुनो आपको सारे के सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे हमारे व्हाट्सएप चैनल से है लिंक डिस्क्रिप्शन में है विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन यूरोप ऑप्शन डी वोल्गा रिवर एशिया की ऑप्शन सी और साउथ अमेरिका की ऑप्शन बी और पूरे वर्ल्ड की और अफ्रीका की ऑप्शन ए वॉट इज द करेंसी ऑफ ब्राजील ऑप्शन ए रियल और कैपिटल uh, कौन सी है अभी प्रेजेंट टाइम में कैपिटल है रियो डिजिनरियो वॉट इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया ऑप्शन बी सियोल चाइना की बीजिंग ब्रिटेन की लंडन वॉट इज द कैपिटल ऑफ स्पेन ऑप्शन बी मेड्रिड स्पेन और मोरक्को ध्यान रखना मोरक्को की रेबेट और स्पेन की मेड्रिड विच इज लार्जेस्ट स्टेट इन यूएसए बाय एरिया ऑप्शन सी अलास्का जो कि उसने लिया था रशिया से विच कंट्री इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉफी इन वर्ल्ड ऑप्शन ए ब्राजील जो कि है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है ओके okay. और इसके अंदर से एक रिवर फ्लो होती है एमेजोन रिवर जो कि पूरे वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट और वॉल्यूम के बेसिस पे फर्स्ट रिवर है वॉट इज द एग्जीक्यूटिव कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका ऑप्शन ए प्रिटोरिया वॉट इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ पंत लेक जो कि है रिहंद डैम पर और रिहंद डैम है रिहंद ऊपर, और ये सब चीजें हैं उत्तर प्रदेश स्टेट में विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज सिटी ऑफ जॉय ऑप्शन सी कोलकाता विच स्टेट इज नोन फॉर इट्स कलारी पट्टू मार्शल आर्ट ऑप्शन डी केरला आपको सारे के सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे हमारे व्हाट्सएप चैनल से लिंक डिस्क्रिप्शन में है बशर्ते कि हमारे इस वीडियो का टारगेट पूरा हो गया हो जो कि है 25 लाख का और और 10 आवर के वॉच टाइम का व्हिच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर इट्स फेमस पटचित्र पेंटिंग ऑप्शन बी उड़ीसा जो कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है which indian state is known for its famous lai haroba dance option d manipur which indian state is known for its famous worldly art option a maharashtra which indian state is known for its famous kalviliya dance option c rajasthan कटक इज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ विच रिवर ऑप्शन ए महानदी इन उड़ीसा स्टेट विच इज हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा रेंजेस ऑप्शन बी धूपगढ़ नीलगिरी की डोडा बेटा सयाद्रीस यानी वेस्टर्न घाट्स की अनईमोडी और अरावली की गुरुशिखर ब्रह्मपुत्र रिवर इज ऑरिजिनेट फ्रॉम ऑप्शन सी आंगसी ग्लेशियर वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा एंजल वाटरफॉल विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इज नोन फॉर इट्स नेम ऑफ दक्षिण गंगा ऑप्शन सी गोदावरी जो कि पूरे इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा रिवर दी भजा लोकेटेड इन ऑप्शन ए महाराष्ट्र विच इज ओनली एक्टिव इन इंडिया ऑप्शन ए बैरन आइसलैंड छोटा नागपुर प्लेट्यू इज स्ट्रेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीस चार स्टेट्स में है झारखंड छत्तीसगढ़ वेस्ट बंगाल उड़ीसा इन विच स्टेट ऑफ इंडिया नहोकली कई वॉटरफॉल्स लोकेटेड ऑप्शन ए मेघालय लक्षदीप ऑफ टोटल हाउ मेनी आइसलैंड ऑप्शन सी थर्टी सिक्स आइसलैंड ये है हमारे अरेबियन सी में लक्षदीप वॉट इज दउथ मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय ऑप्शन ए शिवाख दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड ऑन विच स्टेट ऑफ इंडिया ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ जो बॉर्डर है ना वहां पे लगता है दुधवा नेशनल पार्क वॉट इज द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट और मैनलैंड पे कन्याकुमारी जिसको हम कहते हैं कॉमरेन ऐसा कुछ नाम है इसका कोल कॉमरेन देखना मेरे किसी क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, थाउजेंड इलेवन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज दाइएस्ट अर्बन पॉपुलेशन हाइएस्ट पॉपुलेशन यूपी की हाइएस्ट रूरल पॉपुलेशन यूपी की बट हाइएस्ट अर्बन पॉपुलेशन ऑप्शन सी महाराष्ट्र की हाइएस्ट नंबर ऑफ नेशनल हाईवे नेशनल हाईवे वो भी है महाराष्ट्र में अहमदाबाद इज सिचुएटेड अलॉन्ग दैंक्स ऑफ विच रिवर ऑप्शन ए साबरमती और सूरत ताप्ती विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन गुजरात ऑप्शन सी डैम ऑन दिवर और एक और है सरदार सरोवर डैम ऑन दी नर्मदा रिवर दोनों है गुजरात में मूसी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑप्शन डी कृष्णा रिवर और शोक वो है ट्रिब्यूटरी इंडस की ये दोनों बहुत पूछते हैं आपसे लोहित लोहित और दिवांग ये ट्रिब्यूटरी हैं की डिस्ट्रीब्यूटरी देखो ट्रिब्यूटरी अलग होती है डिस्ट्रीब्यूटरी अलग होती है ये डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं ठीक है डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ गंगा टेक्स नेम पदमा इन विच कंट्री ऑप्शन सी बांग्लादेश और एक और डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की जिसकी बैंक्स पे कोलकाता नाम की सिटी सिचुएटेड है वेस्ट बंगाल में कंट्री विद लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स ऑप्शन डी इंडोनेशिया सूरत ऑन बैंक्स ऑफ विच रिवर ऑप्शन बी ताप्ती या फिर तापी और साबरमती के बैंक्स पे है अहमदाबाद और शिप्रा के बैंक्स पे है उज्जैन बकरवाल ट्राइब आर फाउंड इन विच स्टेट ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर सुनो आपको सारे के सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे हमारे व्हाट्सएप चैनल से लिंक डिस्क्रिप्शन में है बहुत हमारी इस वीडियो का टारगेट पूरा हो गया हो विच इज दार्जेस्ट ओशन इन दर्ल्ड ऑप्शन ए पैसेफिक ओशन विच इंडियन स्टेट हैज काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि फेमस है वन हॉर्न रेनोसोरस के लिए ऑप्शन बी आसम में है और एक और है वहां पर मानस नेशनल पार्क वॉट इज दस्ट वाटरफॉल इन वर्ल्ड ऑप्शन ए एंजल वाटरफॉल और इंडिया का टॉलेस्ट कुचिकल वाटरफॉल विच इज दार्जेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका ऑप्शन ए ब्राजील ंडियन स्टेट हैज सुंदरबंश लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन दर्ल्ड ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज दस्ट कॉन्टिनेंट इन दर्ल्ड ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट और यह क्या है ये ऑस्ट्रेलिया कंट्री है ऊपर जो हल्की सी कंट्री और दिख रही है ना छोटी सी न्यूजीलैंड इन दोनों को मिला के बनता है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जिसको हम एक्चुअली में क्या कहते हैं ओशियाना कॉन्टिनेंट क्लियर विच रिवर फ्लोज थ्रू दिटी ऑफ काशी बनारस या फिर वाराणसी ऑप्शन ए गंगा रिवर ट्रॉफिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑप्शन ए इंडिया और किस किस से पास होता है चाइना म्यांमार सऊदी अरेबिया और मेक्सिको और भी बहुत सारी कंट्री है मोरक्को हम्म hmm? विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी ऑप्शन डी आसम और कॉफी का ऑप्शन बी कर्नाटका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन दर्ल्ड ऑप्शन बी सहारा डेजर्ट विच इज द इंडियाज ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑप्शन ए दिग्बोई आसम विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट फ्रेश वॉटर लेक इन वर्ल्ड बाय वॉल्यूम ऑप्शन सी बैकाल लेक जो कि है रशिया में विच इज दिवर आइसलैंड इन दर्ल्ड ऑप्शन ए मजूली आइसलैंड जो की है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर आसम में इंडिया में रेड बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन विच कंट्री ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया कंट्री विच इज दी लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया ऑप्शन ए नेशनल हाईवे 44 जो कि जोड़ता है श्रीनगर को श्रीनगर को कृष्णकुमारी से कन्याकुमारी से दमेजोन रिवर फ्लोज थ्रो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीस विच इज दॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया ऑप्शन ए गोदावरी रिवर जिसको हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं

के पास अभी ऑक्युपाइड दज रिवर इज लोकेटेड इन विच कंट्री ऑप्शन ए चाइना देखो पूरे एशिया की सबसे बड़ी रिवर यांगतेज रिवर ठीक है पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी थर्ड नंबर की रिवर यांगतेज रिवर ठीक है पूरे वर्ल्ड की थर्ड नंबर की और एशिया की फर्स्ट नंबर की क्लियर अब सुनो मेरी बात चाइना जो एरिया वाइज है ना पूरे वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है और उसके पास कौन सी है पूरे वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट रिवर है समझे ऐसे कनेक्ट करो चीजों को लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इज इन इंडिया ऑप्शन ए भूपेंद्र हजारिका ब्रिज जो कि है लोहित रिवर के ऊपर लोहित रिवर ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की और भाखरा नंगल डैम सतलज रिवर के ऊपर हिमाचल प्रदेश में तेहरी डैम भागीरथी रिवर के ऊपर उत्तराखंड में उकई डैम तापी रिवर के ऊपर गुजरात में और गुजरात में एक और डैम है सरदार डैम नर्मदा रिवर के ऊपर. इटली विच इंडियन स्टेट पीक ऑप्शन बी सिक्किम कौन सी पीक है कंगचन जंगा सेकेंड कौन सी है हमारी नंदा देवी ओके okay?

ये है ऑप्शन ए जिम्बाबिया और जिम्बाबे ठीक है अब सुनो मेरी बात हमारा जो नाइग्रा फॉल्स था ना नाइग्रा फॉल्स वो किन दो कंट्री के बीच में है वो है कनाडा और अमेरिका शायद कंफर्म नहीं हुआ हाँ कनाडा और अमेरिका ठीक है नाइग्रा फॉल्स और विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाबिया और जिम्बाबे विच इंडियन स्टेट इज नोन एज दी पिंक सिटी ऑफ इंडिया ऑप्शन ए जयपुर जयपुर जो कि है राजस्थान में पिरामिड ऑफ गीजा आर लोकेटेड ऑन विच कंट्री ऑप्शन ए इजिप्ट जहां से हमें मिलती है कौन सी स्विज कैनल वॉट इज दया है कोने में चाइना के बगल में रशिया के बगल में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बगल में देखो चाइन जापान हाँ देखो चाइना की करेंसी है यान जापान की येन साउथ कोरिया की वन थाईलैंड की बहत और बांग्लादेश की टाका इंडिया की रूपी और पाकिस्तान की पता नहीं होगी और अमेरिका की डॉलर और जो यूरोपियन कंट्रीज है उनकी है यूरो और ब्राजील की है रियल विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड ऑप्शन ए चाइना और हाँ रशिया की करेंसी है

चिली का लेक जो कि है उड़ीसा स्टेट में वेमोनेड लेक इंडिया की सबसे बड़ी लेक संभर लेक इंडिया की सबसे बड़ी इनलैंड सोल्ट वाटर लेक पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश की लेक ठीक है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द फेमस हिल स्टेशन कौन सा दार्जिलिंग लोकेटेड ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ आंध्र प्रदेश ऑप्शन बी आर्माकोंडा ज ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन इन विच कंट्री ऑप्शन ए इंडिया एग्रीकल्चर में या फिर एग्रीकल्चर uh, फील्ड है, है? Uh, सिक्किम पार्ट नहीं है कौन कौन सा पार्ट है देखते हैं चलो अरुणाचल प्रदेश आसम नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा मेघालय अरुणाचल प्रदेश आसम नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा मेघालय अरुणाचल प्रदेश आसम, नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा मेघालय विच कंट्री इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट ऑप्शन ए भूटान करेंसी क्या है मुझे कमेंट करना आप और शायद उसकी कैपिटल वो है थम्बू थिम्बपुर ऐसे कुछ नाम है उसका यार थम्बूपुर ऐसा कुछ है टी एच से ऐसा कुछ नाम है हिमाचल प्रदेश में ही एक डैम है भाखरा नंगल डैम ध्यान रखना और ये शिप के लपास कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में ओके विच ऑफ क्रॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप ऑप्शन ए कॉटन वेन दर्थ इज एट दैक्सिम डिस्टेंस फ्रॉम दन इज इट कॉल्ड ऑप्शन बी एपी और जब मिनिमम डिस्टेंस होगा तब ऑप्शन ए पेरीहेलियन क्लियर ओके सर देख लो मैक्सिमम डिस्टेंस एपीहेलियन कब होता है पांच जुलाई को ओके okay? और पेरीहेलियन चार जनवरी को लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनल इन इंडिया ऑप्शन सी इंदिरा गांधी कैनल जो कि पहले कहलाती थी राजस्थान कैनल विच इज द ड्राइएस्ट रीजन इन इंडिया ऑप्शन सी जैसलमेर राजस्थान और वेटेस्ट मौसन रायम पूरे वर्ल्ड का पूरे वर्ल्ड का ड्राइएस्ट अटकामा पूरे वर्ल्ड का वेटेस्ट मौसन रायम ठीक है डक्कन पासिस इज लोकेटेड बिटवीन ऑप्शन ए साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान पूरे ट्राइबलेशन की थर्टी एट परसेंट ऑप्शन बी भिल ट्राइब जवहरा ट्राइब है अंडमान एंड निकोबार की विच ऑफ द्रॉप नीड मैक्सिमम वॉटर पर हेक्टर ऑप्शन ए शुगर केन कितनी दो सौ पचास सेंटीमीटर एलमी डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर ऑप्शन ए कृष्णा रिवर और इसकी एक बहुत फेमस ट्रिब्यूटरी है मूसी रिवर मूसी रिवर के डैम बैंक है, हैदराबाद सिटी जहां पर आपको मिलेगा चार मीनार दी ओल्डेस्ट आयरन एंड स्टील कंपनी ऑफ इंडिया ऑप्शन बी टेस्को जिसको स्थापित किया था जमशेद जी टाटा ने 1907 में और उनके नाम पर उस पर शहर का नाम पड़ गया जमशेदपुर In सारे -सारे टारगेट पूरा हो गया हो विच ऑफ दउथमोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया मेनलैंड ऑप्शन ए केप कमोरिंग यानी कन्याकुमारी दोनों नाम ध्यान रखना है उस पॉइंट के एंड वर्ल्ड वेटेस्ट सबसे गीली ऑप्शन सी मोहसन रन है हमारी क्या आ, आ, ड्राइस्ट प्लेस इंडिया की और वर्ल्ड की ऑप्शन बी ये कोल्डेस्ट प्लेस है पूरे इंडिया की और वर्ल्ड की विच इज दार्जेस्ट बैकेस्ट लेक इन इंडिया ऑप्शन बी चिली का लेक जो की है उड़ीसा में पुलिकट लेक और एक और है हाँ, पुलिकट लेक और कोलेरू लेक ये है आंध्र प्रदेश में विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया ऑप्शन ए गुजरात नौ स्टेट्स के पास कोस्ट लाइन है गुजरात की है करीब 1600 ऐसे कुछ है 1600 किलोमीटर ऐसे कुछ है और टोटल कोस्ट लाइन हमारे इंडिया की है 7516.6 थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटीन पॉइंट सिक्स किलोमीटर विच इज दार्जेस्ट एल्यूविलियइल इंडिया ऑप्शन ए एलिवियल रीजन है हमारा सबसे बड़ा गंगा यमुन द्वार विच स्टेट इन इंडिया हैव लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर ऑप्शन ए मध्य प्रदेश विच इंडियन स्टेट है ऑप्शन बी बिहार छुटकू सा है और खूब सारे लोग उसमें बसे हुए हैं ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया ऑप्शन सी अरावली विच इंडियन स्टेट इज दार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी ऑप्शन बी कर्नाटका और आसम टी का ज दाइस्ट नंबर ऑफ नेशनल हाईवे ऑप्शन सी महाराष्ट्र बी मेघालय इन विच हाइएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया वेस्टर्न घाट्स के हाइएस्ट पीक ऑप्शन ए अनिमोडी और नीलगिरी की डोराबेटा और सतपुड़ा की धूपगढ़ और ईस्टर्न घाट्स की सेकंड हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी और फर्स्ट है शायद मुझे गूगल के हिसाब से बता रहा हूं अरमाकोंडा कोडा विच स्टेट इज नोन फॉर इट्स हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑप्शन डी नागालैंड हॉर्नबिल ये एक बर्ड का नाम है Which इज highest पीक ऑफ सतपुड़ा रेंजेस अभी बताया मैंने आपको अभी बताया मैंने आपको अभी बताया मैंने आपको ऑप्शन बी धूपगढ़ और गुरु शिखर है अरावली विच ऑफ ओरिजिनेट इन अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्रा और इसका सेंगपो सेंगपो नाम है इसका चाइना में और इसका बेसिकली इसका पूरा नाम है सियांग सियांग रिवर ओके okay?

ज दिन ऑफ एरिया कंट्री देखो मैंने जब इन टर्म्स ऑफ इंडिया सर्च करा मुझे गूगल पे भूटान और जब मैंने इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन सर्च करा तब आया मालदीव मैं कुछ नहीं जानता मुझे जो मिला मैंने बता दिया वो मैंने यहां पर पे पेस्ट कर दिया चाप दिया मैंने यहाँ पर ठीक है ऑप्शन ए भूटान इन टर्म्स ऑफ एरिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन मालदीव इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ ऑप्शन ए पल्सिस और शुगर विच इज लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑप्शन ए राजस्थान और नेबरिंग कंट्री लार्जेस्ट कौन सी है चाइना इज़ न्यू हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट ऑप्शन ए 8848.86, 8848, 8848.86, ठीक है मीटर्स कैन बी प्रिवेंटेड ऑप्शन डी बाय मेकिंग लिखा है ऑप्शन ए राजस्थान की है ये बंदनी फेब्रिक विच स्टेट ऑफ इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ म्यांमार ऑप्शन डी मिजोरम और टोटल चार स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं बर्मा यानी म्यांमार ठीक है बर्मा पुराना नाम है म्यांमार का ओके और सियाम किसका पुराना नाम है थाईलैंड का और चार स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं म्यांमार के साथ देख लो ठीक है डेट लाइन इज कॉल्ड ऑप्शन ए प्राइम मेरिडियन यानी 180 डिग्री लोंगिट्यूड वाई कॉल्ड ब्लू प्लान बेसिक क्वेश्चन है ऑप्शन ए बिकॉज दो तिहाई पार्ट हमारा सरफेस का वाटर से कवर है विच इज दाइएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया ऑप्शन ए लह एयरपोर्ट एल्यूमिनियम इज अबाउनेटली फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया ऑप्शन बी एल्यूमिनियम बॉक्साइड कहा मिलते हैं ऑप्शन बी उड़ीसा मिक्का आंध्र प्रदेश और झारखंड कांडला पोर्ट जिसको हम दीन दयाल पोर्ट भी कहते हैं दीन दयाल पोर्ट भी कहते हैं लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया ये हमने बनाया था कराची पोर्ट के जाने की दुख में आई मीन टू से उस तरफ का जो ट्रेड है उसको मैनेज करने के लिए हमने इस पोर्ट को डेवलप किया था ऑप्शन डी गुजरात में है वॉट इज अदर नेम ऑफ सयाद्रीस ऑप्शन ए वेस्टर्न घाट्स हाइएस्ट पीक अनाइमोडी फॉलोइंग लेंगे ऑप्शन सी एटी टू डिग्री थर्टी मिनट वाला जो ईस्ट वाला है न, वो हमारा है पांच स्टेट से निकलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन फॉर वॉटर परसिपिटेशन ऑप्शन ए हिमालयाज देखो ये जो विंडस चल रही है ना ये जाकर टकराएंगे हिमालया से और फिर वापस आ जाएंगी ये चाइना की तरफ जाएंगे नहीं वापस आ जाएंगे जो कि हिमालय इतना बड़ा है वो इन विंड्स को वापस पीछे की पीछे धकेल देगा और इंडिया में फिर से वायरस हो जाएगी इंडिया में फिर से वायरस हो जाएगी ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑरिजिनेट एज वेल एज एंड इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑप्शन ए चंबल जिसके ऊपर एक डैम है गांधी सागर डैम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया नोन एज फलहर गोमट फेस लेक मतलब वो उसके लिए फेमस है फलहर यानी गोमत लेक कहां पर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में इंदिरा सागर डैम लोकेटेड इन मध्य प्रदेश ऑन विच रिवर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में है नर्मदा रिवर के ऊपर ठीक है ध्यान रखना नर्मदा रिवर के ऊपर है इंद्रा सागर डैम गांधी सागर कहां पर है गांधी सागर डैम इज बिल्ड ऑन विच रिवर ऑन मध्य प्रदेश ऑप्शन बी मध्य प्रदेश की चंबल रिवर गांधी सागर चंबल इंद्र सागर इंद्र सागर नाम ऑफ वाटर डॉल्फिन ऑप्शन सी गंगा अजमेर इज सिचुएटेड इन बैंक्स ऑफ विच रिवर ऑप्शन ए लूनी रिवर राजस्थान अहमदाबाद साबरमती सूरत तापी अकॉर्डिंग टू टू थाउजेंड इलेवन विच यूनियन टेरिटरी हैज दोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑप्शन बी अंडमान एंड निकोबारोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यूटी में स्टेट में लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है शायद अरुणाचल प्रदेश की शायद स्टेट में एट विच प्लेस अलखनंदा एंड भागीरथी मीट एंड टेक द नेम गंगा ऑप्शन ए देव प्रयाग महानदी रिवर कौन सी स्टेट में उड़ीसा स्टेट में महानदी रिवर दो स्टेट से फ्लो होती है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और ये सबसे बड़ी रिवर है उड़ीसा की फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स एन हिस्टुरी ऑप्शन बी नर्मदा तापी ये सब हम्म इन विच स्टेट रिवर कृष्णगंगा या फिर नीलम रिवर फ्लोज ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग गिवेन पास सतलाज एंटर्स इन इंडिया फ्रॉम तिब्बत ऑप्शन बी जो की प्रेजेंट है हिमाचल प्रदेश में शिव कला पास के ऊपर एक डैम है भाखरा नंगल डैम हिमाचल प्रदेश में लखनऊ सिटी इज सिचुएटेड इन ऑफ़ ऑप्शन ए गोमती रिवर। शिपरा के पास उज्जैन सरयू के पास अयोध्या और गंगा के पास काफी सारे वाराणसी हो गया हुँ? पटना हो गया और मूसी रिवर ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की ओके क्वेश्चन क्या है? है, हैदराबाद इज सिचुएटेड इन दैंक्स ऑफ रिवर हैदराबाद है ऑप्शन डी मूसी रिवर के बैंक्स पे गोमती किसके पे है गोमती के बैंक्स पे है लखनऊ मथुरा कहाँ पर है ऑप्शन सी यमुना रिवर के अराउंड इन विच ईयर इंडस वाटर ट्रिटी वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑप्शन ए सेप्टेंबर 1960 फेमस फॉर लेदर इन इंडिया ऑप्शन ए कानपुर जिसको हम लेदर सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं वो लखनऊ अलग है ये कानपुर है ओके लेदर सिटी ऑफ इंडिया विच स्कॉलर फर्स्ट यूज दर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑप्शन ए जोहन मार्शल और फर्स्ट सिटी हड़प्पा की खोज की थी दया राम सहनी ने और सेकेंड सिटी मोहन की खोज की थी राखल दास बनर्जी ने देख लो ऑप्शन एंड ऑप्शन ए मिताली एक्सप्रेस जाखम डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑप्शन ए राजस्थान विच रिवर इज नोन एज आ सोरो ऑफ चाइना ऑफ बिहार है कोसी सोरो ऑफ चाइना है येलो रिवर यानी हांग हो रिवर और चाइना की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है ऑप्शन ए यांग तेज रिवर वॉट परसेंटेज ऑफ भूटान एरिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट ऑप्शन ए सेवेंटी वन परसेंट इंडिया वॉट परसेंट ऑफ एरिया ऑफ दर्ल्ड ऑप्शन ए टू पॉइंट फोर्टी टू परसेंट स्टेट शियर बॉर्डर नेपाल भूटान चाइना विथ थ्री कंट्रीज ऑप्शन सी सिक्किम विच प्लान टू दन मर्की फॉर्थस्ट टू दन नेपट और प्लानिट टू दर्थ वीनस और जो अब ड्रॉफ प्लान है प्लूटो और सबसे बड़ा प्लानिट जुपिटर सबसे अधिक मूल्स किसके पास है सेटन के पास आई थिंक जुपिटर के पास सर्च करना तुम्हें तो इस क्वेश्चन को ऑफ द द फॉलोइंग इज माउंटेन पीक इन भूटान ऑप्शन ए कंखर पुनसुम और भूटान की राजधानी क्या है थिंफू वॉट परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड साइड इन इंडिया इंडिया के पास लैंड कितना है टू पॉइंट फोर टू परसेंट और पॉपुलेशन कितनी है ऑप्शन बी 17.76 पॉइंट सेवन सिक्स परसेंट वॉट इज दैपिटल ऑफ भूटान ऑप्शन सी थिम्फू चाइना की बीजिंग सियोल साउथ कोरिया की और ढाका बांग्लादेश की वॉट इज द नेम ऑफ बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका ऑप्शन डी पालक स्ट्रेट इंडिया एंड पाकिस्तान ऑप्शन ए रेड क्लिफ लाइन इंडिया एंड चाइना ऑप्शन बी मैकमोहन लाइन और अंडमान को निकोबार से सपरेट करती है टेन डिग्री चैनल वॉट इज ऑफ चाइना इंडिया बॉर्डर लाइन ऑप्शन ए फोर थाउजेंडी सिक्स किलोमीटर बाकी सबका देख लो अच्छे से वॉट इज ऑफ टोटल कोस्ट लाइन पार्ट ऑफ इंडियन मेन लैंड ऑप्शन सी सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड मेन लैंड की बात की है मैंने आपसे ऑप्शन बी कब सही होगा जब हम पूरे इंडिया के मेन लैंड की बात करें जब हम कोस्ट लाइन इंक्लूड करेंगे कोस्ट लाइन किस किस की अंडमान और निकोबार की और लक्षद्वीप की तब होगा सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटीन पॉइंट सिक्स किलोमीटर वेन डिड श्रीलंका यानी सीलोन श्रीलंका का पुराना नाम क्या था सीलोन? थाईलैंड का सियाम और म्यांमार का बर्मा ये श्रीलंका कब इंडिपेंडेंट हुआ था ऑप्शन ए फोर फेबर नाइनटीन फोर्टी एट यूज़ वर्ल्ड पाकिस्तान फॉर दी चौधरी विच लाइन डिवाइड इंडिया इंटू ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट ऑप्शन सी टॉपिक ऑफ कैंसर आठ राज्यों से पास होती है गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उसके बाद झारखंड वेस्ट बंगाल त्रिपुरा मिजोरम झारखंड वेस्ट बंगाल त्रिपुरा मिजोरम सबसे अधिक इसकी आ, कहां पे लाइन पड़ती है हमारी ट्रॉफी ऑफ कैंसर मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कहां पे पड़ती है मध्य प्रदेश में सबसे कम सबसे कम पड़ती है त्रिपुरा में म्यांमार uh, है शायद त्रिपुरा या फिर राजस्थान ठीक है साथ विच सिटी इज नोन एज दिटी ऑफ ब्लैक डायमंड इन इंडिया ऑप्शन सी धनबाद झारखंड विच सिटी नोन एज सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ संगम सिटी ऑप्शन ए प्रयागराज यानी अलाहाबाद सिटी ऑफ सेवन हिल्स नोन एज ऑप्शन डी रोम जो कि स्थित है इटली देश में टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया ऑप्शन ए भुवनेश्वर यानी कैपिटल ऑफ उड़ीसा

ऑप्शन ए नाए पाई द व्हिच इज द लार्जेस्ट यूटी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑप्शन बी लद्दाख अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है लद्दाख वैसे मुझे गूगल पे इसका आंसर मिला था मुझे जम्मू एंड कश्मीर गूगल पे आप जाकर देख सकते हो जो आपको ठीक लगे वो करना अपार्ट फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका व्हिच अदर एशियन कंट्री हैज रुपी एज अ करेंसी ऑप्शन डी नेपाल हाउ मेनी यूटी ऑफ इंडिया आर बॉर्डर ए फोर यूटी और नो स्टेट तो हमारी है हमारी कौन सी पैसेफिक्वेशन से स्टेट ऑफ गिब्रल्टर सेपरेट करता है स्पेन uh, को मोरक्को से आई थिंक है ना इन विच इंगा वॉटर ट्रिटी वॉज साइंडिया एंड बांग्लादेश ऑप्शन ए डिसंबर नाइनटीन नाइनटी सिक्स और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में इंडस्ट्रिटी नाइनटीन सिक्सटी दूध सागर फॉल्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया ऑप्शन ए गोवा जॉग फॉल्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ दूध सागर है गोवा में और जोग फॉल्स है कर्नाटका में रटलू दोनों को काफी इंपॉर्टेंट है फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम इंडिया ऑप्शन ए सतलज और ब्रह्मपुत्र है इंडिया में ही नर्मदा रिवर फ्लोज टू ऑप्शन ए अरेबियन सी एग्जैक्टली कहां पर गल्फ ऑफ कॉम्बे आपको सारे के सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे हमारे व्हाट्सएप चैनल से लिंक डिस्क्रिप्शन में है बशर्ते कि हमारे इस वीडियो का टारगेट पूरा हो गया हो जो कि है ट्वेंटी फाइव ,00 का और 10 आवर ,00 के वॉच टाइम का मुझे आशा है कि आप सभी कर देंगे होते ही मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा हमारे व्हाट्सएप चैनल पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है Which sector has the greater proportion of the total water used in India? Option B, irrigation या फिर agriculture. Which of the following is situated in Assam? Awesome ऑप्शन डी कार्बी अलोंग जो कि सबसे बड़ी पीक है आसम की विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पलानी हिल्स सिचुएटेड पलानी हिल्स है ऑप्शन ए तमिलनाडु में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कार्डमम एंड अन्नामलाई हिल्स सिचुएटेड ऑप्शन डी तमिलनाडु एंड केरला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नीलगिरी हिल्स सिचुएटेड ऑप्शन डी तमिलनाडु केरला और कर्नाटका तीनों में फॉलोइंग मिनरल हैजर नेम इज नोन एज ब्राउन डायमंड ऑप्शन सी लिगनाइट कोल की चार फॉर्म होती है प्योर्ट लिगनाइट उससे ज्यादा प्योर होती है ब्यूटमिनस उससे भी अधिक प्योर होती है एन द साइट वॉट इज द एब्रविएशन ऑफ एब्रिविएशन ऑफ आई टी डी पी ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम गूगल पर सर्च करो ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम ही आएगा इन विच ऑफ दिन स्टेट यू विल फाइंड बक्सर फोर्ट ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल अढ़ाई दिन का झोपड़ा इज सिचुएटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया ऑप्शन ए राजस्थान अजमेर फतेहपुर सीकरी जिसके अंदर है बुलंद दरवाजा यह है बुलंद दरवाजा इज इन विच सिटी ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश आगरा विजय स्तंभ इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ इंडिया ऑप्शन ए राजस्थान चित्तौड़गढ़ विच ऑफ द फॉलोइंग विल नेवर गेट वर्टिकल रेज ऑफ द सन ऑप्शन ए शिमला गूगल पर सर्च करो शिमला ही आएगा श्रीनगर नहीं आएगा अयोध्या उत्तर प्रदेश इज सिचुएटेड इन द बैंक्स ऑफ विच रिवर ऑप्शन बी सरयू उज्जैन शिप्रा हैदराबाद मूसी अजमेर लूनी मथुरा आगरा एज सिचुएटेड इन दी बैंक्स ऑफ विच रिवर आगरा में क्या है ताजमहल देखो हैं ऑप्शन बी यमुना रिवर लखनऊ गोमती रिवर मजूली ब्रह्मपुत्र रिवर और कानपुर देखो कानपुर लेदर सिटी ऑफ इंडिया कानपुर लेदर सिटी ऑफ इंडिया पटना और वाराणसी कहाँ पर है गंगा पे ठीक है और मथुरा कहाँ पर है मथुरा और आगरा यमुना पर दी रेडक्लिफ प्लाइन इज इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन ऑप्शन सी इंडिया एंड पाकिस्तान इंडिया परमानेंट रिसर्च सेंटर दक्षिण गंगोत्री मेत्री भारती दक्षिण गंगोत्री मेत्री भारती दक्षिण गंगोत्री तीनों कहाँ पर है ऑप्शन ए अंटार्क्टिका साउथ मोस्ट हिल रेंज इन इंडिया इज नोन एज ऑप्शन बी कार्टम हिल्स

सेंचुरी ऑप्शन ए केरला कुलेरू एंड बर्ड सेंचुरी पर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश कुलेरू लेक आंध्र प्रदेश पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश सलीम अली बर्ड सेंचुरी ऑप्शन बी गोवा और दूध सागर वाटरफॉल्स गोवा ठीक है जयकवाड़ी बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन ऑप्शन सी महाराष्ट्र हरिके के बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन ऑप्शन ए पंजाब जैकवाड़ी महाराष्ट्र हरिके पंजाब विच माउंटेन रेंज इज सेपरेट द इंडो रेंजेस पहले कौन आता है विंध्या रेंजेस आती है ठीक है उसके बाद आती है सतपुड़ा बिटवीन विच रेंजेस द कश्मीर वैली इन हिमालय लाई ऑप्शन डी कहां पर है कश्मीर वैली ध्यान से देखो पीर पंजाल और ग्रेट हिमालयस पीर पंजाल और ग्रेट हिमालयस इनके बीच में है कश्मीर वैली गूगल पर सर्च कर लो कोई भी आंसर मुदेरा सन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑप्शन ए राजस्थान श्रीनगर इज सिचुएटेड इन दैंक्स ऑफ रिवर झीलम रिवर बद्रीनाथ इज सिचुएटेड इन दैंक्स ऑफ रिवर ऑप्शन डी आलख उत्तर प्रदेश रिवर ठीक है ये था हमारा केदारनाथ बगल में उसके बगल में है बद्रीनाथ ठीक है लेफ्ट में है आप अगर स्क्रीन देख रहे हो तो आपकी स्क्रीन के लेफ्ट में है केदारनाथ और राइट में है बद्रीनाथ ओके अहमदाबाद इज सिचुएटेड इन बैंक्स ऑफ विचरवर ऑप्शन सी साबरमती गुजरात में है वॉट इज द एक्सटेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर और ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर और ये लैंड की है ठीक है ध्यान रखना ट्रिब्यूटरी इज लोहित रिवर जिसके ऊपर भूपेंद्र हजारी का डैम है जो कि इंडिया का सबसे बड़ा सबसे लॉन्गेस्ट डैम है सबसे हाइएस्ट है टेहरी डैम जो कि है उत्तराखंड में भागीरथी रिवर के ऊपर सबसे लॉन्गेस्ट है लोहित रिवर के ऊपर ऑप्शन ए ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिप्यूटरी लो है लोहित रिवर भीमबेटका साइट ऑफ मध्य प्रदेश एडेड इन यूनेस्को हेरिटेज साइट इन विच ईयर ऑप्शन ए जो में एड किया गया था माउंट हैरियट नेशनल पार्क इज ऑल्सो नोन एज माउंट मणिपुर नेशनल पार्क ठीक है माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहते हैं अपने इसको ये कौन से स्टेट और यूटी में है ऑप्शन सी अंडमान एंड निकोबार में है हमारा माउंट हैरियट नेशनल पार्क जिसको अब हम कहते हैं माउंट मणिपुर नेशनल पार्क क्लियर विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस हैज बीन क्रिएटेड बाय इंडस रिवर ऑप्शन बी बनिहाल पास और सतलज के द्वारा शिपकला पास क्रिएट किया गया वेयर इज दिगेस्ट रिजर्व ऑफ मिक्का ऑप्शन सी इंडिया मिक्का का बिगेस्ट रिजर्व है और कोल का बिगेस्ट रिजर्व चाइना वेयर इज दथपा जकरी पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश ध्यान रखना जकरी नथपा जकरी हिमाचल प्रदेश हर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर ऑप्शन बी चिनाब रिवर डैम कहाँ पर है झेलम रिवर के ऊपर और उकई डैम ताप्ती रिवर के ऊपर और इडुकी डैम पेरियर रिवर के ऊपर केरला में जामनगर रिफाइनरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑप्शन ए गुजरात भरोनी रिफाइनरी इज लोकेटेड ऑन विच स्टेट ऑप्शन डी बिहार हट्टी गोल्ड माइंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑप्शन सी कर्नाटका हट्टी गोल्ड फॉर? ऑप्शन बी कॉपर सिल्वर नहीं कॉपर सिल्वर के लिए वहां पर उदयपुर में कुछ माइन्स हैं अगस्तमाला बायोस्फेयर इज स्प्रेड इन अगस्त ऑप्शन सी केरला और धन्यवाद आपने मेरी वीडियो यहां तक देखी, पढ़ते रहिए, रहिए, मस्त और आपको अगर और सेट्स चाहिए तो मुझे बताइए नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे हमारे व्हाट्सएप चैनल से वीडियो का टारगेट होने के बाद आपको नोट्स में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा हमारे व्हाट्सएप चैनल पर लिंक डिस्क्रिप्शन में है धन्यवाद